हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर एक बार RORO मीन्स की परिभाषिक शब्दावली, इसके जो मैं डिस्क्रिप्टिव करा रही थी वन वर्ड, वो तो कंप्लीट हो चुके थे। 8 पार्ट उसके मैंने आपको कराए हैं। अगर आप वो पूरा कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में। आज हम करेंगे इसका एमसीक्यूज़ के पार्ट 1 करेंगे, जो कि हिंदी टू इंग्लिश भी होगा और इंग्लिश टू हिंदी भी होगा, ये दोनों मीडियम में होगा। जो भी चीज़ें बच गई थी पार्ट 8 में वो करेंगे, प्लस जो उसमें हमने किया था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो इस सीरीज़ को देखने से पहले एक बार आप 8 पार्ट्स का रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको ये पार्ट करने में आसानी हो। और आप ये MCQs टाइप में है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कितना, जो भी आपने आज तक रीडिंग किया है, तो वो आपको कितना लर्न है, कितना आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं MCQs का ये पार्ट 1। तो यहाँ पर देखिए, फाइव क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और 5 क्वेश्चन आते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। और ऑप्शन ज़रूर दिए होते हैं उसमें, 10-10 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से any 5 आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय बताइए, तो हिंदी का इसमें मीनिंग बताना है। पहला क्वेश्चन इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन हमें दिए हैं शासन, प्रशासन, अनुशासन, स्वशासन। अब देखिए इसमें चारों, ये तो मैंने MCQs दिए हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, आपको डायरेक्ट सोच के करना पड़ेगा ट्रांसलेशन। MCQs नहीं आते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आप लोगों का स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने के लिए MCQs के क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो इसका आंसर आप लोग सोच के बताइए क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर होगा प्रशासन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का जो 4 ऑप्शन है उसके ये हैं इस प्रकार, विभाग, अनुभाग, प्रभाग या सौभाग्य। तो आप इसमें से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका डिपार्टमेंट को विभाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को शासन कहते हैं, प्रशासन कहते हैं, सरकार कहते हैं, ये तीनों कहा जाता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट हमेशा हमारी सरकार होती है। लिटरेसी, साक्षर, साक्षरता, शिक्षा या शैक्षिक, बहुत ही माइनर सा अंतर है 4 ऑप्शंस में, तो आपको ये बताना पड़ेगा सोच के। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ, इसका आंसर है साक्षर, लिटरेसी, साक्षरता, सॉरी ऑप्शन बी साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट नोट। इसके ऑप्शंस है पाठ टिप्पणी, टिप्पणी, पुनश्च, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पाद टिप्पणी, फूट नोट। गजट, गजट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आपके हिंदी पी के पेपर में आता है, तो इसका मतलब है शासकीय पत्र, समाचार पत्र, राजपत्र या राजपत्रित। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है राजपत्र, गजट माने राजपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिफेस्टो। तो इसका जो ऑप्शन है वो है अधिघोषणा, वायदा पत्र, घोषणा पत्र या चुनाव अधिघोषणा। तो इसका करेक्ट आंसर है घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र। एलीग्ड, एलीग्ड के 4 ऑप्शन है आरोपी, अभियोग, अपराधी या मुजरिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आरोपी, एलीग्ड आरोपी। क्वेश्चन नंबर 10 वीटो। वीटो का ऑप्शंस जो दिए हैं वो विशेषाधिकार, अधिकार, निषेधाधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निषेधाधिकार, सॉरी निषेधाकार, वीटो का मीन्स निषेधाकार। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है सेडिशन। सेडिशन का ऑप्शन जो दिया हुआ है आत्महत्या, राजद्रोह, धर्मद्रोह या द्रोह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी राजद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉलरशिप। बहुत ही कॉमन वर्ड है, ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर है, सोच के बताइएगा। छात्रवृत्ति, अनुदान, अभिवृत्ति या जीविका। तो इसका करेक्ट आंसर है छात्रवृत्ति। ग्रांट, ग्रांट का ऑप्शन दिया हुआ है सहायता, अनुदान, राजकोष या वित्तीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अनुदान, ग्रांट माने अनुदान। क्वेश्चन नंबर 14 एफिडेविट। एफिडेविट को या तो एफिडेविट ही कहते हैं, शपथ पत्र कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं या कानूनी पत्र कहते हैं। तो
तो इसका करेक्ट आंसर होगा शपथ पत्र, एफिडेविट मीन्स शपथ पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के लिए पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द चुनिए। तो अब इसमें से आप, ये हिंदी का है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना है। तो पहला जो वर्ड है वो है जमानत। ऑप्शन है हमारे पास बेल, वेल, अवेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा बेल, जमानत माने बेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, तर्क। तर्क का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है आर्ग्यूमेंट, अर्जर्न, जजमेंट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही इजी आंसर है इसका, इसका आंसर होगा तर्क मीन्स आर्ग्यूमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, संक्षेप। संक्षेप को बोलते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है समरी, ब्रीफ, प्रेसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब ये बहुत ही सिमिलर है लेकिन आप लोगों को करेक्ट आंसर पे लगाना है। तो संक्षेप माने ब्रीफ, ब्रीफ में लिखिए, संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पहले जो आया था ऑप्शन सिमिलर है उससे, वसीयत। वसीयत का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है बिल, बीक्वेस्ट, ब्राइब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रमाणित। प्रमाणित का जो ऑप्शन है अटेस्टेड, सर्टिफाइड, नोटिफाइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्टिफाइड मीन्स प्रमाणित। तो हमारे ये MCQs यहीं ख़त्म होते हैं। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में MCQs लाके आपको दोनों हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों कंबाइंड करके ये ख़त्म करूँगी। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मैंने कराए हैं पारिभाषिक शब्दावली, और मेरा जो अनुमान है पूरा कि इसके बाहर कहीं से भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। और इसके अलावा मैं आप लोगों को जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं RO ARO के, उसके भी पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं पारिभाषिक शब्दावली के, वो भी मैं आपको अलग से करा दूँगी इसमें। तो मेरे वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।